कैसे हैं बच्चों आप सब। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ मिलते हैं तो कितना चार्ज बनाते हैं बच्चों, 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के एंड इंसुलेटर्स के। तो बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। क्लियर है बच्चों, ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। और एक बात और है बच्चों कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकती हैं उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। कॉपर भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसके वायर्स आप लोगों ने ऑफन देखे होंगे। ये सब क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर्स होते हैं। कुछ एलॉयज होते हैं बच्चों, ठीक ना, मतलब कि मिक्सचर ऑफ कंडक्टर्स, मिक्सचर ऑफ सम एलिमेंट्स, सम मेटेलिक एलिमेंट्स। सम एलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन आर ऑल्सो कंडक्टर्स, बट देयर कंडक्टिविटीज आर मच लेस देन कंडक्टर्स। मतलब कुछ एलॉयज होते हैं बच्चों, जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब कंडक्टर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हैं, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी मीन्स दैट की एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो कंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक ना। तो कुछ एलॉयज होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों, द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी एक अच्छी कंडक्टर है, क्योंकि आप लोग जैसे ही सॉकेट में, ऐसा करिएगा मत आप लोग, लेकिन सॉकेट में आप लोग मान लीजिए कि आप अर्थ से कनेक्टेड हैं, आपने कोई भी स्लीपर नहीं पहना है, कोई भी आप वुडन वुड पे नहीं खड़े हैं, और आप सॉकेट में अगर हाथ अगर गलती से चला जाता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या स्विचेज से भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आप लोगों को। रीज़न इसका यही है कि अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता तो हमें शॉक नहीं लगता। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक काफ़ी अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। बच्चों बात करते हैं इंसुलेटर्स की, ऐसी सब्सटेंसेस। अब कंडक्टर जो है बच्चों, इनमें इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है बच्चों कि इनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं होता। ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं होता या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, उनमें हम उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, इबोनाइट रॉड, सिल्क क्लॉथ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। अब बच्चों ऐसा क्या है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, और इंसुलेटर्स में वो फ्लो नहीं होते। तो देखिए, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बस, बट इंसुलेटर्स डू नॉट हैव। कंडक्टर्स के पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के पास नहीं होते। जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक कंडक्टर मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो बच्चों ये कहीं भी मूव करने के लिए, कहीं भी ये मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। लेकिन बच्चों किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि क्यों नहीं होगा और क्या करने पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बच्चों चार्जेस एट रेस्ट,
ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि चार्जेस रेस्ट की कंडीशन में होती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि आपने देखा था कि सिल्क क्लॉथ पे जब आपने इबोनाइट रॉड को रगड़ा था तो इबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आ गया था बच्चों, निगेटिव चार्ज। वह वुलन क्लॉथ पे जब रगड़ा था तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया था। तो जो इबोनाइट रॉड पे जो चार्ज एक्वायर होता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, चार्जेस इन मोशन, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि चार्जेस किस में हो, मोशन में हो। जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों जो मैं बता रहा था तुम्हें कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, लेकिन ये हर डायरेक्शन में, चूंकि ये फ्री हैं तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। क्या आप लोग एक वायर रख देते हैं, उसमें एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या वो जलने लगता है? नहीं जलता। उसमें क्या कनेक्ट करना पड़ता है, बैटरी हमें कनेक्ट करनी पड़ती है। तो बैटरी आखिर ऐसा क्या काम करती है उसके अराउंड में, उस वायर के अक्रॉस, वो बैटरी उस वायर के अक्रॉस डेवलप करती है एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कि कोई पॉइंट ए है, मान लिया जाए कि कोई पॉइंट ए है जिस पे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो क्यू वन है। तो बच्चों कोई भी चार्ज होता है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा कि मान लिया जाए कि पॉइंट ए है जहाँ पे हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 जिसका कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहीं दूर इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे कहीं पे एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को बच्चों हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्फिनिटी पे कहीं पे Q0 है, ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव सिंबल का है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब Q0 इन्फिनिटी से Q0 को हम लोग ला रहे हैं कहाँ पे, Q1 के पास। Q1 के पास लाएंगे बच्चों तो ये इस टेस्ट चार्ज का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, चार्ज है तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 है तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस Q0 चार्ज को हम जब, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग ला रहे हैं इसके पास, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बच्चों, इंटरेक्शन होगा, होगा। अब क्या होगा कि चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब रिपल्शन होगा, जब इसको हम लोग लाएंगे, इस चार्ज को यहाँ पे हम लोग लाएंगे, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। लेकिन फिर भी इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ लाना है, तो टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ लेके आना है, पॉइंट ए पे हमें लेके आना है, तो जाहिर है कि जब फोर्स लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमें एक वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में एक वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक ना, एक वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उस फोर्स को हमें हटाना है, उस फोर्स को, ये जो दोनों टेस्ट, ये जो टेस्ट चार्ज और ये Q1 जो लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स, इस फोर्स को हटाना है हमें, इस Q0 को हमें Q1 के पास लाना है, और इस Q0 को Q1 के पास लाने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक ना। वर्क करना पड़ेगा, तो बच्चों ये पोटेंशियल कैसा हो गया, क्योंकि आप लोग क्लास नाइन में जानते हैं ना कि जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये तो जानते हैं ना। तो ये वही बात है कि Q0 को यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन
इस पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर हो रही है बात? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों हम लोग, अब इसको हम लोग एक फॉर्मूलेशन भी कर सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है? तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको ऐसे कह सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू, क्यू या हम लोग स्मॉल क्यू भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो वी ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू अपॉन क्यू। कहाँ से हमें लाना है, अगर एक ही पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता करना है ना, हमें तो ये तो दूसरा पॉइंट तो पता नहीं है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है, तो हमें क्या करना होगा कि वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क। बच्चों बताइए वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है? चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, ठीक है? चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल का मतलब क्या होगा कि वर्क डन भी, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, वर्क डन 1 जूल हुआ है और चार्ज कितना है, 1 कूलॉम। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट वो कौन सा पॉइंट है, ए। तो 1 वोल्ट का मतलब हुआ बच्चों मूविंग अ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है? उसमें जितना वर्क डन लगा, 1 जूल वर्क डन अगर लग रहा है तो उसको हम लोग 1 वोल्ट के बराबर कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, दूसरा पॉइंट हमें गिवेन है, ठीक ना? जहाँ इन्फिनिटी होता था वहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट गिवेन है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को या यूनिट चार्ज को ले जाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, पी डी इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वान्टिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं इंडिकेट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट कर दिया है कि मान लिया जाए कि पॉइंट वी है, पॉइंट बी से 1 यूनिट चार्ज हम लोग पॉइंट ए तक ला रहे हैं, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, वी बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू क्या है, 1 यूनिट, क्यू क्या है, चार्ज। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक है? ये डिफरेंस है बच्चों, ये माइनस निगेटिव साइन हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वी का वी बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरें पोटेंशियल ज़्यादा है ए पॉइंट के पोटेंशियल से, इसीलिए हम निगेटिव साइन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है डिफरेंस, और डिफरेंस का साइन होता है इस तरह से। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, चाहे वो ए का पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बच्चों, आपको ओपन करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और एक दूसरा वीडियो भी बना के अभी डाल रहा हूँ।